नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द सॉफ्टवेयर्स के बारे में। जी हाँ, हिकविजन के अंदर आपने सुना होगा IVMS 4200 जो आप लोग यूज करते हैं रेगुलरली, और एक आपने नाम सुना होगा हिक सेंट्रल प्रोफेशनल। तो एक्चुअली जो IVMS 4200 है वो कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज करते हैं, और हिक सेंट्रल प्रोफेशनल जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको हर चैनल के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस डिसाइड होते हैं। तो एक्चुअली जो IVMS 4200 जो फ्री है वो क्या है, उसमें कौन से फीचर्स आते हैं, और हिक सेंट्रल क्यों डिफरेंट है, मतलब अगर हमें पे करना हो पर चैनल के हिसाब से, अगर हमें एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना है तो वो क्यों पे करना है, क्या एक्स्ट्रा हमें मिलता है। जब तक हमें ये बातें पता नहीं होगी तब तक हम हमारे क्लाइंट को कुछ भी नया बता नहीं पाएंगे। मतलब हमें यही नहीं पता होगा कि हम किन बातों से वंचित रह रहे हैं जो हमें पता नहीं है। जो भी आप बड़े बड़े सेटअप देखते हो, स्मार्ट सिटी सेटअप देखते हो, करीबन उसके अंदर हजारों लाखों कैमराज लगे हुए हैं, तो वो सब कैसे मैनेज होते हैं, क्या वो एक IVMS जो आपका 4200 आता है वो एक पीसी में लगा देते हैं और इस तरह से सब कुछ मैनेज होता है, या फिर वो सब चीजें कैसे मेंटेन होती हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आज बात करने वाले, मतलब IVMS 4200 वर्सेस हिक सेंट्रल प्रोफेशनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाकर रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में जो बेल आइकन की बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी जो भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज होती है वो आप कोई मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग IVMS 4200 के बारे में समझ लेते हैं कि IVMS 4200 जो सॉफ्टवेयर है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है वो एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है। मतलब आप उसको एक पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और उसके अंदर आप NVR को DVR को ऐड कर सकते हो और आप उसके ऊपर कैमरास को देख सकते हो। इसके अंदर आप कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी अगर कुछ भी आपके पास में कैमरा है या फिर कोई भी हार्डवेयर है आप उसको इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मतलब एक लिमिटेशंस के साथ में एक यूनिवर्सली आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया है जहां पर आप, अगर आपके पास में बहुत साइट छोटी है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, प्ले करना है, लाइव देखना है, अगर इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं तो आप इस IVMS 4200 के साथ में कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं हिक सेंट्रल प्रोफेशनल जो है सॉफ्टवेयर है वो क्या है। एक्चुअली हम एक चैनल के हिसाब से अगर पे आउट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहली बात, जो हिक सेंट्रल प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर है वो सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर है। मतलब उसका एक सर्वर होता है और सर्वर के थ्रू बहुत सारे क्लाइंट जुड़े होते हैं। एक हिक सेंट्रल प्रोफेशनल के अंदर आप 10,000 कैमरास को ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह से हिक सेंट्रल प्रोफेशनल अगर आपने एक लिया हुआ है जिसके अंदर 10,000 कैमरास हैं, ऐसी अगर आपके पास में 10 साइटें हैं तो आप 1,00,000 कैमरे को एक ही सॉफ्टवेयर से मैनेज कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। अगर आपके पास में साइट बहुत ही बड़ी है और अगर आप उसके अंदर काफी सारे कैमरास इंटीग्रेट करना चाहते हैं सो कैमरास भी आ जाएंगे, एज वेल एज इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक्सेस कंट्रोल जो हिकविजन का आता है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे कैमरास हैं जो कि एनालिटिकल फीचर्स देते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल काउंटिंग, फॉर एग्जांपल ANPR कैमरास, थर्मल कैमरास, जो काफी वेराइटी ऑफ कैमरास आते हैं वो सभी आप इसके साथ में एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। हिक सेंट्रल प्रोफेशनल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप थर्ड पार्टी जो कैमरास होते हैं या फिर डिवाइसेस होती है वो ऐड कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड डिपेंड करता है वो कौन सी ऑनविफ को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ में आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर अनादर कोई सॉफ्टवेयर भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है, और इस सॉफ्टवेयर के जो डेटा हैं वो आप किसी और अनादर सॉफ्टवेयर के साथ में भी इंटीग्रेट करवा सकते हैं। मतलब ये जो है वो कंप्लीटली कस्टमाइजेशन वाला सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है। डिपेंड करता है कि सामने वाले का जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा है, और दोनों के अंदर थोड़ी सी मेहनत करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब ओपननेस है यहाँ पर कि आप चाहे जैसा आप कस्टमाइज करवाना चाहे आप करवा सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपांडेबल है, मतलब आप मल्टी लोकेशन के कैमरा, चाहे आपकी एक लोकेशन
चाहे 1000 लोकेशन हो, आप 1,00,000 कैमरे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर पेन इंडिया, चाहे नेशनल चाहे इंटरनेशनल, अगर आपके क्लाइंट की फैक्ट्रीज, ऑफिस कहीं पर भी हो, सभी आप एक ही जगह पर लाइव कर सकते हैं या फिर उसकी मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं। अब जब आप इतने सारे कैमरास लगा देते हैं तो सिर्फ कैमरा लगाना और लाइव मॉनिटरिंग करने से हमारा काम नहीं हो जाता, हमें जरूरत पड़ती है मेंटेनेंस की। अगर सोच के चलिए, अगर 10,000 कैमरास आपने लगाए हैं तो आप उन सब कैमरे को मैनेज कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, कौन सा कैमरा कहां पर बंद हुआ है, क्यों बंद हुआ है, कैसे बंद हुआ है, कहां पर लगा हुआ है, किस लोकेशन पर है। तो इसके लिए हिग सेंट्रल के अंदर आप पूरा का पूरा मैप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब आपकी जो साइट है, वो जो साइट का जो मैप होता है वो आप इसके अंदर डाल दीजिए और वो कंप्लीटली आपको बताएगा कि आपका जो कैमरा बंद है या फिर जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो कौन सी लोकेशन का है। सो बंदा वहां पर जाकर सीधा उसी कैमरे को निकालेगा, रिपेयर करेगा और वापस लगा देगा। सो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको काफी मदद करता है, तभी तो पॉसिबल हो पाता है 10,000 कैमरे को मैनेज करना। इसके अंदर आपको BI डैशबोर्ड मिल जाता है, पूरा ग्राफिकली आप पता लगा सकते हैं, पूरा एनालिटिकल चीजें देख सकते हैं, बिहेवियर एनालिसिस कर सकते हैं कि अभी जो आपका जो सिस्टम है उसका अप टाइम कितना है, उसका डाउन टाइम कितना है, कितना इसके अंदर CPU का लोड, मतलब कैमरास के हिसाब से कितने कैमरास उसके अंदर लगे हुए हैं, कितने परसेंटेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ग्राफिकली देखने से समझ में आती है, वो आप यहां पर कर सकते हैं। कौन सा मॉल के अंदर सबसे ज्यादा कस्टमर्स आपके कौन से एरिया के अंदर है, कहां से क्या मूविंग होती है, ईच एंड एवरीथिंग एनालिटिक्स आप यहां पर इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर स्मार्ट वॉल मिल जाता है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कई जगह पर, जहां पर अगर मैं बात करता हूं सर्विलेंस सिस्टम के बारे में, स्मार्ट सिटीज के बारे में, तो जब एक सिटी के अंदर हजारों कैमरास होते हैं तो उसको आप मॉनिटर करने के लिए आपको वीडियो वॉल चाहिए। सो ये जो वीडियो वॉल मैनेजमेंट है वो भी आपको हिग सेंट्रल में मिल जाता है। एंट्री एग्जिट अगर आपको मैनेज करनी है, कौन से पर्सन ने कब एंट्री करी थी, कब एग्जिट करी थी, उसके डेटा चाहिए आपको। आप थोड़ी बार बार रिकॉर्डिंग देखने बैठेंगे कि हाँ चलो मैं बैठ के देखता हूं इस कैमरे के अंदर कैसे क्या था, वो सभी चीजें आप पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं। आपको यहां पर विजिटर मैनेजमेंट भी मिल जाता है, अलग अलग टाइप के काफी सारे मॉड्यूल्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं और आप उसको हिग सेंट्रल के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे मेन चीज आती है डेटा रिलायबिलिटी की। हमने अक्सर कई बार देखा है कि जब CCTV के अंदर हमने रिकॉर्डिंग हार्ड ड्राइव सब कुछ लगाई है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तब या तो रिकॉर्डिंग बंद होती है या फिर हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई होती है, कुछ ना कुछ इश्यू आने की वजह से हम डेटा को लॉस कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए डेटा ही सब कुछ है, मतलब जो फुटेज है, जो बैकअप है, वो सब कुछ है, जैसे बैंक्स हो गई, कॉरपोरेट्स हो गए, वहां पर इनके बगैर चलता ही नहीं है, तो यहां पर इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसके अंदर NVR जो लोकल स्टोरेज है वो कनेक्ट कर सकते हैं, आप P-Store कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप कोई भी सर्वर के अंदर डालेंगे तो उसकी हार्ड ड्राइव भी रिकॉर्डिंग कर सकती है, इस तरह का P-Store लाइसेंस ले सकते हैं। साथ साथ में आप यहां पर हाइब्रिड सेन ले सकते हैं, जो कि हम लोग कई बार नासवास बोलते हैं ना, तो इस तरह के हाइब्रिड सेन आते हैं हिकविजन के, वो यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। आप क्लाउड स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं, मतलब यहां पर डेटा लॉस होने के जो चांसेस होंगे वो यहां पर ना के बराबर हो जाते हैं, आपके पास में बैकअप मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर एक हार्ड ड्राइव फेल हुई तो डेटा दूसरे हार्ड ड्राइव से मिल जाएंगे, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा, तीसरा फेल हुआ तो चौथा, पूरा का पूरा आपके क्लाइंट कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज कर सकते हैं। कई बार कई साइट ऐसी होती है जहां पर ब्रॉडबैंड पॉसिबल नहीं होता, मतलब वहां पर आपका इंटरनेट नहीं है तो व्हाट ऑब्वियस स्टैटिक IPs नहीं है, सो वहां पर कैसे करेंगे, तो एक GSM वाला जो सिम बेस वाला जो राउटर आता है वो लगाकर भी आप वहां के कैमरा सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी बैंडविड्थ मिलती है, वो अलग चीज है, लेकिन अगर आपको सिर्फ मेंटेनेंस से रिलेटेड डेटा चाहिए तो आप वो यहां से वहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं, लोकल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सब स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग आप यहां पर करवा सकते हैं, लेकिन मैनेज किया जा सकता है। AI कैमरास
ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, काफी सारे कैमरास लगाकर उनका जो एआई रिपोर्ट होता है वो कंप्लीटली यहां पर आप मैनेज कर सकते हैं। इवेंट और अलार्म के तो क्या कहने, आप इसकी तो बात ही मत करिए कि जब भी आप कोई भी रिपोर्ट, आप सर्विलेंस लगा रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, अगर वहां पर किसी पर्सन की एंट्री होती है और जब कैमरे की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो किस तरह के पॉपअप चाहिए आपको, मतलब अगर उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर किसी ने एंटर किया तो वीडियो वॉल के ऊपर आपके पास में पॉपअप हो जाए, आपको अलग तरह से सायरन्स मिल जाए, ये जो पूरा मैनेजमेंट होता है एक हाई एंड लेवल का, वो आप इन सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आया होगा नॉर्मली कि एक सॉफ्टवेयर कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन करने में, उसके आर्किटेक्ट को डिजाइन करने में। सिर्फ हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे IVMS 4200 जिसके अंदर सिर्फ लाइव देखना और मॉनिटरिंग करना नॉर्मल सा आता है, बैकअप देखना नॉर्मल सा आता है, लेकिन हिग सेंट्रल प्रोफेशनल्स जैसे सॉफ्टवेयर की वजह से आप आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। अगर आपको ये सब फीचर्स पता होंगे तो आप आपके क्लाइंट को सजेस्ट कर पाओगे कि आप ये सिर्फ जो कैमरास हैं उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करना नहीं होता, उसकी मॉनिटरिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके अलग अलग एनालिटिकल रिपोर्ट्स होते हैं, वो भी आप उनको ऑफर कर सकते हैं। सो आपको इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जरूर सीखना चाहिए, आपके नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए। सो मुझे तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो काफी जबरदस्त लगते हैं और हिकविजन का ये जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफी बढ़िया लगता है, बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन होता है। मैंने जितना बोला ना तो आप लोगों को लगा रहा होगा कि कितनी बड़ी ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, सिस्टम्स को और फीचर्स को समझना होता है, कहां पर किसको इनेबल करना है, कहां पर किसी को डिसेबल करना है, बहुत ही इजीली। अगर आप IVMS 4200 यूज कर रहे हैं तो आप इसी बेस पे आप हिग सेंट्रल को भी थोड़ी सी मेहनत करके सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा और आप आगे कदम बढ़ाएंगे इन नई चीजों को सीखने के लिए, आपके क्लाइंट को भी आप शेयर करते रहेंगे इस तरह के जो फीचर्स होते हैं वो। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको कौन सी चीजें स्पेशली पसंद आई हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो के अंदर कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स, नई चीजें और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।